उधर सीएम कमलनाथ ने महज 24 घंटे के अंदर ही संघ कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था बहाल करने के निर्देश दिए। दरअसल सोमवार को सरकार ने संघ कार्यालय पर तैनात जवानों को हटा दिया था, लेकिन दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाहर सीएम ने सुरक्षा बहाल करने के लिए निर्देश जारी कर दिए। इस मामले पर संघ के पदाधिकारी कांतिलाल चंदर से कहा कि कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। कांतिलाल चंदर से बात की हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ने। पहले संघ के कार्यालय संविदा से सुरक्षा हटाई जाती है और बाद में एक बार फिर से यहां पर सुरक्षा मुहैया कराए जाने की बात कही जाती है, यानी कि फिर से सुरक्षा दी गई है। पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ संघ के पदाधिकारी कांतिलाल चंदर जी मौजूद हैं, सीनियर से बात करेंगे। सर, पहले सुरक्षा हटाई गई और अब सुरक्षा वापस कार्यालय को दी जा रही है, ये आपके माध्यम से ही पता चला है हमें, लेकिन हमें ऐसी कोई अभी तक जानकारी नहीं मिली कि सुरक्षा हमको दी जा रही है। और जो हटाई थी उसकी भी हमको सूचना नहीं थी। जो कुछ भी उन्होंने किया है अपनी मनमर्जी से किया है और आचार संहिता लगी होने के बावजूद इस तरह का जो उन्होंने निर्णय लिया है, पहले तो वो निर्णय लेने में सक्षम ही नहीं थे, और यदि लिया गया है निर्णय तो क्यों लिया है, और यदि हटा दी थी तो फिर दोबारा क्यों लगाई, ये दोनों प्रश्न चिन्ह हैं। तो हटाने के पीछे कारण ये समझ में आता है कि वो कुछ लोगों को खुश करना चाहते थे, और वापस सुरक्षा लगाने का मतलब ये है कि उनको जब पता चल गया कि भाई हिंदू समाज नाराज हो रहा है और उनको दिग्विजय सिंह जी को चुनाव लड़ना है, तो वह सिंपैथी हासिल करने के लिए उन्होंने केवल ढोंग रचा है। ये मतलब एक बार हटा दी फिर लगा दिया, ऐसा क्यों किया भाई? प्रशासनिक व्यवस्था है, इसमें किसी चीज़ को तोड़ना और उसको बसाना दोनों में परिश्रम और मेहनत और पैसा दोनों लगता है, तो राज्य सरकार का इन्होंने कहीं ना कहीं नुकसान ही तो किया है। तो राजनीति षड्यंत्र है क्या एक बार हटाने के बाद वापस देना? ये तो आप लोग अनुमान लगाइए और यहाँ का जो समाज वो अनुमान लगाएगा कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसका षड्यंत्र है, किसका नहीं है। हमारा आरोप लगाना ठीक नहीं है, समाज देखेगा ना उस चीज़ को, जिन लोगों को देखना वो उसका करेंगे आकलन कि पहले हटा दी और अब लगा दी, हम क्यों बोले। तो हमारे साथ मौजूद थे कांतिलाल चटर्जी जो कि संघ के पदाधिकारी हैं, और यहाँ पर इस समय भी हम संविदा में ही खड़े हैं जहाँ से सुरक्षा हटाई गई और वापस यहाँ पर सुरक्षा लगा दी जाती है। साफ तौर पे उनका कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र था कि पहले हटा देना और वापस सुविधा दे देना। फिलहाल उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो समाज इसका फैसला करेगा। के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। और इस वक्त जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, संघ के बाहर जो सुरक्षा का दायरा था उसको हटाने और वापस लगाने को लेकर एक नई बहस सी छिड़ गई है, 24 घंटे के अंदर अंदर सरकार यू टर्न ले लेती है, क्या वजह है इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए अनंत, कहना गलत नहीं होगा कि 24 घंटे का महज समय होता है और सरकार यू टर्न रहती है। इसके पीछे महत्वपूर्ण वजह है वो यही है कि जिस प्रकार से लगातार बीजेपी के और संघ के कार्यकर्ताओं के बयान सामने आ रहे थे और लोकसभा चुनाव पास है, और ऐसे में बीजेपी तमाम जो राजनीतिक दल है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो जानती है कि कहीं ना कहीं भोपाल बीजेपी का संघ का गढ़ रहा है। तो ऐसे में जो दिग्विजय सिंह है उन्होंने सुबह ही ट्वीट किया था और कहा था कि वो इस फैसले से खुश नहीं है, इसलिए एक बार फिर से जो बहाली है, जो सुरक्षा है, उसको बहाल कर देना चाहिए, जिसके बाद कहीं ना कहीं सरकार ने इस पूरे मसले पर अपना बेहतर जताया और यहाँ पर एक बार वापस सुरक्षा व्यवस्था जा दी। बावजूद इसके अभी भी संघ के पदाधिकारियों का, संघ का और बीजेपी का यही कहना है कि अगर सुरक्षा वापस बहाल करनी थी तो हटाई क्यों गई, क्योंकि संविदा में सुरक्षा काफ़ी समय से लगी हुई है, पिछले कई सालों से संविदा को सुरक्षा दी जाती है। ऐसे में राजनीति षड्यंत्र करके सिर्फ और सिर्फ भी कांग्रेस ने ये ढोंग रचा था, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव, पूरे देश में चुनाव है, और ऐसे में उनका साफ तौर पे कहना है, जो आरएसएस के पदाधिकारी, उनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस भी ये जानती है कि बीजेपी कहीं ना कहीं संघ का गढ़ माना जाती है, और ऐसे में जब यहाँ से संविदा से सुरक्षा हटा दी जाती है या तमाम जो चीजें वो कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फर्क पड़ा। तो माना जाएगा, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, दिग्विजय सिंह के जो बयान सामने आया था उस बयान के बाद फौरी तौर पर कमलनाथ ने इस बारे में एक्शन लिया था और सुरक्षा वापस बहाल की गई, यानी प्रेशर पॉलिटिक्स भी है कांग्रेस के अंदरूनी खेमों में ही। बिल्कुल, देखिए कहना गलत नहीं होगा कि प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पर चल रही है, क्योंकि दिग्विजय सिंह राजधानी भोपाल से प्रत्याशी बनाए गए हैं और उन्हें पता है कि किस आधार पर भोपाल में चुनाव लड़ना है, क्योंकि उनको जानते हैं मध्य प्रदेश में 10 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, 10 बार मुख्यमंत्री रहे, माफ कीजिएगा, और उनको ये पता है कि जब उन्होंने 10 साल का जो कार्यकाल निकाला है मध्य प्रदेश में, भोपाल में वो अधिकतर समय रहे हैं, तो यहाँ पर किसका पलड़ा ज़्यादा भारी होता है। ऐसे में उन्होंने कमलनाथ को ट्वीट किया और जुड़ने के लिए, उस बारे में जानकारी पहुँचाने के लिए। उधर लोकसभा चुनाव में फतह पाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को जनआवाज का नाम दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी कार्यालय में घोषणा पत्र जारी करते हुए न्याय योजना, किसानों के लिए अलग से बजट के बारे में ऐलान किया। राहुल गांधी ने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहस करने की खुली चुनौती दी और कहा कि पीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में मेन मुद्दा किसानों का है, रोजगार का है, इसमें जीएसटी न्याय योजना भी काफी अहम हो जाएगी।
प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं सिर्फ अपनी बात करता हूं, ये देश के ऊपर है कि वो क्या सोचते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस चुनाव का नैरेटिव सेट हो गया जो गरीबी और रोजगार पर है। देश का प्रधानमंत्री किसी भी तरह से पीछे नहीं छुप सकता। उन्होंने कहा कि चौकीदार छुप सकता है लेकिन भाग नहीं सकता। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जारी किए गए घोषणा पत्र पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, एक बार सुनवाते हैं आपको। हमने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया निकाला है, 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, उन 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायतों में रोजगार दे देगी। और दूसरा काम जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके जीएसटी करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, जैम कर दी पूरी अर्थव्यवस्था को, वो अर्थव्यवस्था एक बार फिर जंप स्टार्ट होकर चालू हो जाएगी। और ये कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी, 1 साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। उधर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का कहना है कि घोषणा पत्र देश की जनता पर एक बड़ा असर डालेगा जिसका सीधा लाभ कांग्रेस को मिलने वाला है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा से बात की हमारे संवाददाता दुरेश कुमार ने। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने हर एक वर्ग को साधने और समझाने की पूरी कोशिश की है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा जी। सर, एक बहुत बड़ा घोषणा पत्र जारी किया गया है, हर एक वर्गों को हमने देखा, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी हो, तमाम मुद्दों को छुआ है। किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी योजना, हम न्याय योजना की बात कर लें, 72,000 रुपये देने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, या जो बीजेपी है उसकी तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि बहुत बड़ा एक आर्थिक बोझ इस पर आएगा इस योजना के जरिए, क्या ये संभव है? या फिर देखिए, बीजेपी तो खाली सर्जिकल स्ट्राइक की बात करती है, कांग्रेस ने स्ट्राइक किया है अगेंस्ट पॉवर्टी, गरीबी के अगेंस्ट। गरीबी जो है सबसे बड़ी इस देश की समस्या है, और जब तक गरीबी की समस्या आप एड्रेस नहीं करोगे, हम इस देश को स्वतंत्र नहीं मानेंगे। स्वराज और स्वतंत्रता तभी अचीव होते हैं जब लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आ सके। लेकिन जो बात कही 72,000 रुपये की, कहा यह जा रहा है कि आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा भार बढ़ेगा सरकार के ऊपर, यदि देखिए ये तो सोच की बात है। आप पूरे विश्व में जाइए, डोंट दे हैव सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स? पूरे विश्व में सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास जीने का साधन नहीं है, तो स्टेट उसको प्रोवाइड कराती है। बट यहाँ पर जब ये इम्प्लीमेंट होगी पॉलिसी, इससे नेशनल एसेट भी डेवलप होगा। और ये एज आई सेड, न्याय जो है ये राहुल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो ये उनका सपना है। मैं उसका ट्रांसलेशन बता सकता हूँ जबलपुर के टर्म्स में। जबलपुर में 17 लाख मतदाता हैं, और मुझे जो बताया गया है उसमें से 8-9 लाख BPL के रेखा के उसमें आते हैं। तो उन 8 लाख मतदाताओं को इसका लाभ डायरेक्टली पहुंचेगा, क्योंकि उनकी इनकम जब ये योजना आ जाएगी तो 6,000 के ऊपर निश्चित रूप से रहेगी। मैं तो राहुल जी को धन्यवाद देता हूं, और कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमसे भी सजेशंस दिए थे, हम लोग ने भी सजेशंस दिए थे। कितना इफेक्टिव रहेगा सर, जो बात विधानसभा चुनाव में देखी गई कि जनता ने स्वीकारा कांग्रेस के वचन पत्र को, लोकसभा में भी स्वीकारेगी? फर्स्ट इम्प्रेशन तो मेरा यही है कि ये वचन पत्र ने हमको 50% चुनाव जिता दिया है, अब अगला 50% वर्कर्स को हमको जिताना है। तो ये थे हमारे साथ विवेक तन्खा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये घोषणा पत्र एक बड़ा इफेक्ट डालेगी देश की जनता पर। वीडियो जर्नलिस्ट दुष्कर्म के साथ दुर्गेश कुमार, न्यूज़ स्टेट, जबलपुर।
कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को जनता की आवाज बताते हुए गेम चेंजर करार देने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से इस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने निशाना साधा और इसे झूठ का पुलंदा करार दिया है। तो विषय एक ही रेट लगाएंगे, फार्म लोन वेवर्स। अभी तक कहते रहे वेव करेंगे, अब कहते हैं सिविल ऑफेंस होगा, सिविल रिकवरी होगी। और देखो हमने 5 राज्यों में 2 दिनों में कर दिया। मुझे मालूम नहीं कि किस दुनिया के ऑर्बिट में रहते हैं आप। इन 5 राज्यों में जाकर पूछ लीजिए, डेटा अवेलेबल है। कुछ टोकनिज्म भी कहीं तो नहीं हुआ। जीएसटी, अब एक ना समझी उसका 10 बार मैं जवाब दे चुका हूं, अगर कोई समझने कोई तैयार ना हो तो विषय एक ही रेट लगाएंगे। अरे एक रेट होता है, ये मुझे लगता है एक बार सिंगापुर गए थे और सिंगापुर में तो कोई बिलो पॉवर्टी लाइन है नहीं, और इसलिए सारी जनसंख्या सामान्य है। वहां खाने की चीज पे भी जीएसटी लगता है, दूध पे भी लगता है, छोटे लोगों की चीज पे भी लगता है, बड़े लोगों की चीज पे भी लगता है, और एक स्टैंडर्ड रेट है 7% का। तो मैंने वहां के प्रधानमंत्री जी से पूछा कि चावल और मर्सिडीज कार दोनों पे 7% लगेगा? उसने कहा बिल्कुल। पर जिस देश में इतनी बड़ी संख्या बीपीएल की है वहां फूड पे तो लगभग लगा ही नहीं सकते, तो एक रेट कैसे होगा? गरीब आदमी के लिए जो कपड़ा है, जो उसके लिए चप्पल है, क्या उस पे और एयर कंडीशनर पे एक ही रेट लगेगा? कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस हमेशा अहम मुद्दों की बात करती है। साथ ही मानक अग्रवाल ने कहा कि पीएम मोदी सिर्फ बांटने की राजनीति करते हैं और इस बार बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल जी हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तमाम बड़े मुद्दे रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इस पूरे घोषणा पत्र को? देखिए बहुत ही अच्छा घोषणा पत्र है और मैं समझता हूँ कि हर वर्ग का राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने ध्यान रखा है। मगर सर ऐसा लगता है कि जो बातें कर रहे हैं, चाहे गरीबों की हों, युवाओं की हों, महिलाओं की हों, क्योंकि कल तो प्रधानमंत्री अपने भाषण में हिंदू आतंकवाद की बात कर रहे थे, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। देखिए प्रधानमंत्री कितनी भी बात करें हिंदू आतंकवाद की, कांग्रेस पार्टी के का हर नेता जो हिंदू है वो जाता है मंदिरों के अंदर, स्वयं राहुल जी जहाँ भी जाते हैं मंदिर के अंदर जाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सिर्फ इनका प्रोपेगंडा है। ये आपस में लोगों को एक दूसरे से लड़वाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं जानते हैं भारतीय जनता की पार्टी के लोग, लेकिन देश की जनता समझ गई है कि इससे काम नहीं चलने वाला। हमारे लिए क्या किया इन्होंने, जितने वायदे किए थे 2014 के अंदर वो सब झूठे साबित हुए, तो देश की जनता अब इनको पहचान गई। चलिए थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल, जिनका कहना है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो बहुत अच्छा है, मुद्दों की बात इस पूरे मैनिफेस्टो में की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ टेट, भोपाल। मध्य प्रदेश में चौथे चरण के लिए 6 सीटों पर नामांकन शुरू हो चुका है। नामांकन पत्र की जांच 10 अप्रैल को होगी, जबकि 12 अप्रैल तक नामांकन पत्र वापस लिया जा सकता है। देखिए किस के बीच में है ये मुकाबला। आज से एमपी की 6 सीटों के लिए नामांकन, 6 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी में होगी टक्कर। बीजेपी 5, कांग्रेस 2 सीटों पर ही तय कर पाई है उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चौथे चरण के लिए 9 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल कर सकेंगे। चौथे चरण में एमपी की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा शामिल हैं। नामांकन पत्र की जाँच 10 अप्रैल को होगी। 12 अप्रैल तक नामांकन पत्र वापस लिया जा सकता है। 29 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन पत्र खरीदने और जमा करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। शहडोल संसदीय क्षेत्र के नामांकन अनूपपुर में जमा होंगे। इस चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, अनूपपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त किया गया है।
सीधी, बालाघाट, जबलपुर, मंडला में जिला मुख्यालय में ही नामांकन जमा किए जाएंगे। सीधी से बीजेपी उम्मीदवार रीति पाठक हैं, जबकि कांग्रेस ने अभी उम्मीदवार तय नहीं किया है। 2014 में यह सीट बीजेपी ने जीती थी। बालाघाट से बीजेपी प्रत्याशी ढाल सिंह बिसेन हैं, जबकि कांग्रेस की मधु भगत हैं। 2014 में ये सीट बीजेपी ने जीती थी। जबलपुर से बीजेपी प्रत्याशी राकेश सिंह हैं, जबकि कांग्रेस ने अभी नाम तय नहीं किया है। 2014 में ये सीट बीजेपी ने जीती थी। शहडोल से बीजेपी प्रत्याशी हिमाद्री सिंह हैं, जबकि कांग्रेस की प्रेमिला सिंह हैं। 2014 में ये सीट बीजेपी ने जीती थी। छिंदवाड़ा से बीजेपी और कांग्रेस ने अभी अपने अपने प्रत्याशी तय नहीं किए हैं। 2014 में ये सीट कांग्रेस ने जीती थी। मंडला से बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अभी तय नहीं है। 2014 में ये सीट बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी और कांग्रेस सभी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में चौथे चरण में लोकसभा सीट सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में कौन बाजी मारेगा, ये तो 23 मई को चुनावी नतीजे से ही साफ हो पाएगा। टीम न्यूज स्टेट। बंडोल पुलिस ने रुक्मणी देवी हत्याकांड का खुलासा कर दिया। एडिशनल एसपी गोपाल खांडेल ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। बंडोल पुलिस और FACL टीम ने खोजबीन कर आरोपी तक अपनी पहुंच बनाई। अधिकारियों ने वहां लगातार रहकर मौके पर तलार गांव बांकी में गांव से लोगों से पूछताछ किया। इसमें ये तथ्य सामने आया कि रुक्मणी देवी के साथ रमन लाल धुर्वे का प्रेम संबंध रहा है। इस आधार पर रमन लाल को राउंडअप किया गया और जिस पर रमन लाल ने अपना अपराध करना स्वीकार किया है। खबर महज से, जहां लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए 50,000 रिश्वत के साथ लेखापाल को रंगे हाथों पकड़ा। फरादी कमल किशोर के मुताबिक वो सहायक शिक्षक के पद से रिटायर हुआ था, जहां लेखपाल ने पीएल के पैसे निकलवाने के लिए उसे 1.5 लाख रुपए की मांग की और अब 50,000 रुपए देने के लिए कहा था। जहां फरियादी ने इसकी जानकारी लोकायुक्त को दी, इसके बाद लोकायुक्त की टीम ने लेखपाल मुकेश शर्मा को रंगे हाथों पकड़ा। संकुल के अंतर्गत एक मिडिल स्कूल आता है खेड़ी, वहाँ से रिटायर हुए हैं 23 जून को सहायक शिक्षक कमल किशोर सोनी। ये 27 तारीख को अपना एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके आए थे कि जो वहाँ का लेखापाल है उस संकुल का, जिसके पास कोदरिया का मेन चार्ज है और मानपुर का एडिशनल चार्ज है, वो इनसे अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए 1.5 लाख रुपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। आज इन्हें उस राशि की पहली किस्त 50,000 रुपये देते हुए कोदरिया उत्तर माध्यमिक विद्यालय के ऑफिस में, जो लेखापाल के ऑफिस में, उसको रंगे हाथों पकड़ा गया है और उस पर अभी हम लोकायुक्त की पुलिस भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। खबर इंदौर से, जहां के राजेंद्र नगर इलाके में चोर एक व्यापारी से 2 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गया। उधर घटना के बाद इस मामले में इंदौर पुलिस के हाथ कुछ सीसीटीवी फुटेज लगे, जिसमें 3 लोग बैग को ले जाते दिखाई पड़ रहे हैं। पुलिस की माने तो शुरुआती दौर में वीडियो में देखने वाले लोग संदिग्ध लग रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं गर्मी से बचाव करने के लिए लोग अब कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। खासकर शीतल पेय पदार्थों की दुकान पर लोगों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। नींबू पानी, आम का पन्ना, जलजीरा और गन्ने का रस इन दोनों लोगों की पहली पसंद बने हैं। देखिए हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की राजधानी अगर भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर भी तापमान 40 डिग्री तक पहुँच गए हैं, जिसके बाद लोग इस गर्मी से बचने के लिए तमाम जो उपाय होते हैं उसको अपना रहे हैं। देख सकते हैं इस समय हम उन दुकानों पर मौजूद है जहाँ पर गर्मी के दिनों में शीतल पेय पदार्थ आसानी से उपलब्ध होता है। ये गन्ने का रस की दुकान है जिसको लोग गर्मी के दिनों में खासकर पीना पसंद करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब गर्मी का दिन आता है तो ऐसे में लोगों को इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। बात करके सर, आप बताएं, गर्मी शुरू हो गई है, किस तरह से इसका बचाव कर रहे हैं? गर्मी से बचाव के लिए यही है, शीतल पेय का उपयोग कर रहे हैं और कहीं जाना आना ज़्यादा हो नहीं पाता है। ऑफिस में से निकल के हम लोग जो है बस यहीं आकर के अपना टाइम निकालते हैं और शीतल पेय का यूज़ करते हैं।
बिल्कुल, गन्ने के रस के अलावा भी अगर बात की जाए तो क्या क्या चीज़ों का प्रयोग और सेवन और बचाव किस तरह से कर रहे हैं? सर, सबसे बचाव तो ये है कि आप पानी पीजिए सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा ये है। बाकी हम लोग तो ऑफिस में रहते हैं ज़्यादातर टाइम, लंच के टाइम में निकलते हैं तो चाय हमने बंद कर दी एक तरीके से पीना अभी, और पानी या फिर ऐसा गन्ने का रस खासकर मिल जाए। और सभी के लिए यही है कि अभी कम से कम गन्ने का रस पिए या फिर नींबू पानी है इस टाइप से। गर्मी कैसी पड़ रही है? काफ़ी गर्मी है, 42 डिग्री शायद टेम्परेचर हो चुका है धीरे धीरे धीरे, और इस साल सुना है कि 23 सालों के बाद पहली बार ऐसी गर्मी पड़ रही है, इसलिए हम लोग बचाव की ओर बहुत ध्यान दे रहे हैं। गन्ना रस पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, और चाय से तो बचे हुए हैं हम लोग, और कोशिश कर रहे हैं कि जितना से जितने हो धूप से बचे रहें। और आपका गन्ने का रस भी आ गया है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि जो गन्ने का रस है उसका जो सेवन है वो जाहिर सी बात है कि जब गर्मी शुरू हो जाती है और ऐसे में जब तापमान 40 डिग्री यानी कि 40 डिग्री के पार पहुंच चुका हो या 40 डिग्री तक जा पहुंचा हो तो उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, आप लोग बताएं, आप लोग भी जब गर्मी से बचाव के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं, किस तरह से मेंटेन करते हैं? इसका बांधते हैं, जे बैठे हैं, जूस पी रहे हैं, और बस अब घर जाने की तैयारी कर रहे हैं जल्दी। अच्छा, ये बताओ कि गर्मी में अगर पीने की कुछ चीज़ों की बात की जाए, गन्ने का रस होता है, नींबू पानी होता है, ज़्यादातर क्या चीज़ों का प्रयोग? ज़्यादातर ये गन्ने का रस ही पीते हैं, और हाँ, नींबू पानी और गन्ने का रस पर। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि गर्मी का समय है और ऐसे में जिस प्रकार से लगातार तापमान 40 डिग्री के पार जा पहुँचे हैं या 40 डिग्री तक राजधानी भोपाल बने हुए हैं, तो ऐसे में लोग गर्मी से अपना बखूबी तौर पर बचाव भी कर रहे हैं। वीडियो एनालिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।